तो कहानी शुरू होती है अपने मेन कैरेक्टर से, जो कि एक जॉली बीन नाम के रेस्टोरेंट में आया रहता है, जहाँ पर जैसे वो रेस्टोरेंट के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर एक नोट मिलता है, जिससे हमें एज अ ऑडियंस पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने एक कॉन्टेस्ट में भाग लिया है, जहाँ पर उसे जॉली बीन में जाकर वहाँ के 15 बर्गर्स को खाना है, और अगर वो ऐसा करता है तो वो कॉन्टेस्ट जीत जाएगा और उसे एक स्पेशल प्राइज मिलेगा, जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर पड़े बर्गर्स को खाने लगता है। जैसे वो 5 बर्गर्स खाता है तो आगे का डोर अनलॉक हो जाता है, जिसे पार करके वो एक डिफरेंट लोकेशन जाता है। अब वहीं पर हमारे मेन कैरेक्टर को एक बाथरूम डोर दिखता है, जिसे ओपन करने के लिए उसे मिनिमम 10 बर्गर खाने पड़ेंगे। तो वो बर्गर ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे एक जॉली बीन नाम का कैरेक्टर मिलता है, जो कि एक्चुअल में एक एलियन रहता है, और इसका क्लू हमें आगे ही मिल जाता है क्योंकि हम एक बड़े से स्पेसशिप को देख पाते हैं, जहाँ पर वो जॉली बीन नाम का कैरेक्टर हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है कि अगर उसे अपना रिवॉर्ड चाहिए तो उसे टेलीपोर्टर को ऑन करना पड़ेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ता है, वहाँ पर जो भी बर्गर थे उसे खाता है, जिसके बाद उसने टोटल 10 बर्गर खा लिए रहते हैं, तो वह अब बाथरूम डोर ओपन कर सकता है। तो वो बाथरूम डोर को ओपन करता है, जहाँ पर उसे एक नोट मिलता है, जहाँ पर टेलीपोर्टर ऑन करने का इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, जहाँ पर उसे 3 स्विचेस को ऑन करना है लेकिन एक सीक्वेंस ऑर्डर में, और ऐसा करने के बाद टेलीपोर्टर ऑन हो जाएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर उन सारे बटन्स को एक सीक्वेंस ऑर्डर में क्लिक करता है, जिससे टेलीपोर्टर ऑन हो जाता है, जहाँ पर वो टेलीपोर्टर का यूज करके फिर से एक डिफरेंट लोकेशन में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो पूरा लोकेशन किसी बैक रूम जैसा दिख रहा था। अगर इसके बारे में आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको ये रेफरेंस समझ आ गया होगा। जहाँ पर उसे एक और नोट मिलता है, जिसमें एक और टेलीपोर्टर के बारे में बताया गया रहता है, जिसे यूज करने के लिए उसे ABC नाम के बटन्स को क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन वो भी एक सीक्वेंस ऑर्डर में। तो वहाँ पर वो उन बटन्स को ढूंढना शुरू करता है, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को वहाँ पर और 4 बर्गर्स मिलते हैं, जिसके बाद उसने टोटल 14 बर्गर्स खा लिए होते हैं, जिससे एक और नया डोर जो है ओपन हो जाता है, जहाँ पर आखिरी बटन था और वहाँ पर एक नोट भी था जिसमें लिखा हुआ था कि 15वें बर्गर तक पहुँचने के लिए उसे टेलीपोर्टर का यूज करना पड़ेगा। तो वो सारे बटन्स को एक सीक्वेंस ऑर्डर में क्लिक करता है, जिससे टेलीपोर्टर ऑन हो जाता है, और फिर से वो टेलीपोर्ट होकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर 15वां बर्गर रखा हुआ था, जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस बर्गर को खा लेता है, और वहीं पर एक नोट रहता है जो कि बताता है कि तुमने अपना कॉन्टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, अब तुम अपना रिवॉर्ड कर सकते हो, और रिवॉर्ड लेने के लिए तुम्हें टेलीपोर्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर टेलीपोर्टर का इस्तेमाल करता है, जिससे वो वापस से उस बैक रूम वाली जगह पर पहुंच जाता है, जहां से वो एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसका रिवॉर्ड रखा हुआ था, और रिवॉर्ड के तौर पर हमारे मेन कैरेक्टर को मिलता क्या है, एक गोल्डन बर्गर बस, जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस बर्गर को खा लेता है और यहां से निकलने की तैयारी करता है। लेकिन जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर टेलीपोर्टर के पास जाता है तो वो देखता है कि टेलीपोर्टर तो बंद है, और वहीं पर उसे एक नोट मिलता है, जहां पर हमें मिलता है सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। असल में ये पूरा जो कॉन्टेस्ट है वो एक ट्रैप था, जहाँ पर ये जो एलियंस है वो भाई हमारे ही मेन कैरेक्टर को खाने की तैयारी कर रहे हैं, और ये जो सारा प्रोसेस था ना बर्गर खाने का, ये बस एक प्रोसीजर था जिससे हमारे मेन कैरेक्टर का फ्लैश उनके हिसाब से डिलीशियस बन सके। यानी कि अब मामला जिंदगी और मौत का हो चुका है। अब हमारे मेन कैरेक्टर को अगर वहां से निकलना है तो उसे सबसे पहले तो टेलीपोर्टर को ऑन करना पड़ेगा, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि उन जॉलीबी एलियंस में से एक एलियन जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़ जाता है, जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर उसे लूप में घुमाते रहता है, एंड इसी दौरान वो बटन भी क्लिक कर देता है, जिससे टेलीपोर्टर ऑन होता है और वो वहां से मेन लोकेशन में पहुंच जाता है। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था, क्योंकि वो एलियन अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। जैसे तैसे करके वो टीजी से अपर वाले एरिया में पहुंचता है तो वो देखता है कि दूसरा एलियन भी वहीं पर मौजूद है, एंड इसी दौरान हमारे मेन कैरेक्टर की जो कार की चाबी है वहीं पर गिर जाती है। अब हमारा मेन कैरेक्टर चाबी तो उठा लेता है, लेकिन वो उसी जगह पर फंस जाता है, जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वापस से उन एलियंस को एक लूप में फंसाने की कोशिश करता है, और जैसे तैसे करके उनसे अपना पीछा छुड़वाता है, और फिर वहां से सीधा रेस्टोरेंट से बाहर निकल के अपने कार में बैठ जाता है, एंड इसी पॉइंट पर इस गेम की स्टोरी जो है एंड हो जाती है।